उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए और दो इंतजार में। मुझे थोड़ी और चाय दो भाई। अमा तस्लीम कर लो, चाय पीनी है या नहीं? सब ठीक? बिजनेस मस्त है। अरे सुनना, अभी मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। पापा ने कहा था कि दुकान खोल करके फोन करेंगे। अब जनाब, पूर्णिया में सबसे बड़ा कपड़ों का व्यापार तो आपका ही है। मस्त तो होना ही है। अरे सुन, कल दुकान पर एक औरत आई, उन्होंने बोला कि साड़ियाँ दिखाने, तो मैंने दिखाया बनारसी, कुचिपुड़ी, पता नहीं क्या क्या। और फिर उनसे पूछ के ही मैंने अपने स्टाफ को भेजा कि जाओ जाकर के मैडम के लिए कुछ चाय वाय ले आओ, तो वो बेचारा ले आया। अब मैडम बोलती है, देखो ना बेटा, मैं ना अभी वायरस की वजह से बाहर का चाय नहीं पी रही। मैं बोला तो आपने मंगाया क्यों फिर, चाय मंगाया क्यों फिर आपने? कोई बात, फिर और एक घंटे तक हम साड़ी दिखा रहे हैं, अलग अलग साड़ी दिखाते जा रहे हैं। अब मैडम बोलती हैं कि देखो ना बेटा, मुझे ना तुम्हारी एक भी साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही। मतलब कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। मैं बोला मैडम क्यों, क्यों पसंद नहीं आ रही? इतनी सारी साड़ियाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको क्यों पसंद नहीं आ रही? पूर्णिया का बेस्ट दुकान है ये, बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट दुकान है, ठीक है। फिर बोलती हैं, अब देखो बेटा, पसंद आने का नहीं आने का कारण होना जरूरी है क्या? और ये बोल करके वो निकल गई। मैं और मेरा स्टाफ दोनों परेशान परेशान बैठे हैं, बेवकूफ की तरह। क्या बोलूं, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। क्या हुआ यार, तुम्हारे चाय में ही चीनी कम है। उसकी याद है सांसो, जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद है सांसो, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। इनाया नहीं यार, जमाना
हर तरफ नफरत, खेल, कन्फ्लिक्ट, झूठ, बीमारी। ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक दूसरे को बस मारना चाहते हैं। सबके दिल में प्यार है और नफरत भी। प्यार करते हैं लेकिन उस प्यार पर नफरत हावी हो जाता है, जैसे कोई खौफ है, कोई डर है जो एक दूसरे को जीने नहीं देते, और मरने मारने पर लोग उतावले हो जाते हैं। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, मतलब तुम्हारा अपना कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं सन्नी? हाँ, कुछ नहीं, मस्त खाता हूं, पीता हूं, लाखों में कमाता हूं और फिर चैन की नींद सो जाता हूं। लेकिन तू कब तक इस बिराने में पड़ा रहेगा? अब जो है यही है। आज बेसवाब उदास है जी, इश्क होती तो कोई बात भी थी। सनी, सनी, सनी देख, मैंने तेरी सारी पेंटिंग आज तक संभाल के रखी है, ये देख। किसी एक जमाने में हम भी कुछ कम नहीं थे। अरे वो आप कहते थे ना, आर्ट मस्ट बी एंडलेस लाइक द सी। यस, माय वर्क, माय आर्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और वो जैक, जैक सनी, अरे कितना प्यारा जानवर था यार। और हम बचपन में कितने मजे से खेलते थे उसके साथ। मेरे पिकासो, पिकासो, पिकासो वाज माय ब्रेकफास्ट एंड विंसेंट वाज माय डिनर। Beautiful. और वो सनी, इनाया। शाम ने जब पलकों पे आतिशदान किया, कुछ यादों ने चुटकी में लुबा लिया। लुबान मतलब? A kind of incense. वाह। राहत इंदौरी साहब की शेर थी ये। तुम्हारी तस्वीर मेरी आखिरी रियलिस्टिक तस्वीर होगी। तो क्या आप तसव्वुरे परवास करोगे? क्या क्या तसव्वुर, इसका मतलब? The flight of imagination, तुम शायद कोई राजा हो या आशिक, बहिष्ट हो या बाहर, या शायद तुम ही मेहताब हो। दिल्ली को मदिरा की तरह लेते? हाँ, विचार था, अब तो सिर्फ मदिरा पीते हैं। आई एम नॉट द हेवेंस, नॉर द सीजंस, नॉट इवन द मून ऑफ योर ड्रीम्स। आई एम जस्ट अ बिजनेसमैन इन आया। वो तो तुम दिन में हो, लेकिन रात में? हम दिन और रात में अलग अलग इंसान बन सकते हैं क्या? कब तक अपने तस्वीरों में रियलिज्म और सरियलिज्म ढूंढते रहोगे? कभी तो तुम्हें भी इख्तियार में बंधना ही होगा। और अगर नहीं बंधा तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, सिर्फ एक जालिम जमाना रह जाएगा। और तुम?
मैं भी तुम्हारे रात वाले शख्स के साथ नहीं, दिन वाले के साथ ही रहना चाहूंगी। आखिरी पेंटिंग, उसके बाद कुछ नहीं? कुछ खास नहीं, कभी कभार थोड़ी बहुत शेर सुन लेता हूँ बस, और कुछ खास मन में नहीं था यार। पापा ने कहा दुकान संभालो, ये बम्बई नहीं पूर्णिया है, लग गए काम पे। और अपने अंदर इतने पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन दबा के रखे हो, उसे नहीं निकालोगे? पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन कौन से रंग में खुद को बांधूं जब सारे ही रंग मुझे प्यारे हैं। यार ये लोग, इनके बकवास, इतने बकवास के बावजूद भी ये बोलते हैं कि सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, रात को डैली पी के दबा दूंगा। चलता हूं मैं, पापा दुकान खोलते ही होंगे। बाय। अरे रुको, अभी तो पापा का मैसेज भी नहीं आया। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो तुम्हारे लिए मछली बनाने वाला था। रुक एक मिनट, बैठ। ये तभी से मैं मछली फ्राई कर रहा हूँ, मछली फ्राई हो क्यों नहीं रहा? ये कच्चा का कच्चा ही क्यों रह गया? मैं सोच रहा हूँ आज एक आखिरी तस्वीर बनाऊं। तुम्हारी तस्वीर। तस्वीर? तुम मेरी तस्वीर बनाओगे? तुम मेरी तस्वीर बनाओगे? पर कैसे बनाओगे? हाँ कैसे बनाओगे? देखो किससे बनाओगे? इससे बनाओगे तस्वीर? नहीं, इससे कैसे बनाओगे? कैसे? देखो देखो सनी, कुछ ऐसा बनाना जो मुझ में किसी को नहीं दिखता। शायद मैं कोई राजा हूं, या कोई आशिक भाई तू, या बाहर, या मैं ही मेहताब हूं। और रियासत तसव्वुर, आप जरा हकीकत में आ जाए। कैसी हकीकत? वापस जाओगे अपने उस साड़ियों के बीच? हाँ जाऊंगा यार, क्यों नहीं जाऊंगा, सब कुछ है मेरे पास। उस बेरुखी जिंदगी में तुम सब कुछ समझते हो सनी? इतने तो बेवकूफ नहीं हो तुम सनी? सुबह 10 बजे मैं दुकान का ताला खोलता हूँ, रात के 10 बजे दुकान से वापस आता हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार खुशहाली से जी सके। तुम्हारी दिक्कत कैसा सर, वो तुम्हें पता है। तुम्हें ना खुद के जमीन में झांकने की आदत ही नहीं है। मैं खुश हूं अपने इस फटेहाल हालत से। मेरी इस गरीबी का जिम्मेदार तुम मुझे मत दो सनी, अपने इस जमाने को दो। मैं खुश हूं क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत आज भी जिंदा है। किससे मोहब्बत जिंदा है? इनायत से। तू भी तो उतना ही प्यार करता था ना जितना मैं करता था, लेकिन वो तेरे साथ नहीं, मेरे साथ आई। क्यों? Because I'm organized, sir. I'm organized, not like you, buddy. Lost in dreams. सपने। रंगों से भरे सपने। जो तो देखना छोड़ दिया है सनी, कब तक खुद से दूर भागोगे?
तक अपने दोस्त को नीचा दिखाओगे? इतने साल तक तू आया नहीं और आज ऐसा कहता है? I just did not mean that. मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। इनाया? नहीं यार, क्यों परेशान हो अगर वादा वफा हो ना सका? कहीं वादे भी निभाने के लिए होते हैं। इनाया तो चली गई लेकिन ये जमाना रह गया। सबने मिलकर लाद दिया मेरे ऊपर अपने नफरतों के भेड़ियों को। तो अपना हथियार उठाओ और तोड़ दो इस हथियार को। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। शायद एक बार, एक आखिरी बार तुम्हारा फोन बज रहा है सनी, सनी। लगता है मेरा ही फोन बज रहा है। हेलो हेलो, रोल नंबर 34209, दुकान आने का वक्त हो गया है। दुकान आ जाओ।
दुकान आ जाओ, दुकान आ जाओ। अख्तियार तोड़ दूं, नहीं तोड़ पाओगे। सेल्वो, आज एक बार फिर से आई सेंटेंस यू टू हैंग टिल डेथ। मेरे ख्यालों में मेरा एक यार रहता था, बहुत नायाब और अजीज दोस्ती थी हमारी। ख्यालों के दश्त में हम लंबे रास्ते यूं ही सफ़र कर लिया करते थे। रास्तों में पूछता था वो मुझसे कि लोग एक कलाकार की हत्या क्यों करते हैं। दश्त के पेड़ आयनों में तब्दील हो जाते थे और सरगोशियों में जवाब देने लगते, लेकिन मैं इन सवाल जवाबों को शराब की प्याली में भर खटक लेता था। एक दिन वो मेरे ख्यालों से बाहर हकीकत में आना चाहा, कहता था मैं तुम्हारी जिंदगी को रंगों से भर दूंगा, लेकिन मैंने उसकी एक बात ना मानी। पूंजीवाद समाज की जंजीर जो मेरे हाथों पर लगी हुई थी, मैंने उसे अपने ख्यालों से धक्के मार कर निकाल दिया। बहुत प्यारा यार था वो मेरा। ऐसे यार के लिए कुछ लोग रोते भी थे, लेकिन मैं नहीं रोता। आप रोते हैं क्या?